हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान ईयर। दोस्तों, एटॉपिक डर्मेटाइटिस को समझेंगे कि भाई ये क्यों हो जाता है, किसको होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या दिया जाएगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप पूरा देखें संपूर्ण जानकारी के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। स्किन के बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, कई तरह के एक्जमा, सोरायसिस, फंगल इन्फेक्शन कई तरह के होते हैं। तो एक होता है क्या, एटॉपिक डर्मेटाइटिस। अब डर्मेटाइटिस भी कई तरह का होता है, ठीक है ना। सेबरोइक डर्मेटाइटिस, एक्यूट डर्मेटाइटिस, ऐसे एक एटॉपिक डर्मेटाइटिस है। अब होता क्या है कि जो हमारी स्किन है, चमड़ी है, जो इसकी सबसे पहली लेयर जो होती है उसे बोलते हैं एपिडर्मल। एपिडर्मल लेयर में सूजन आ जाती है बेसिकली, इसलिए इसको डर्मेटाइटिस बोलती है। टिस लगा मतलब कि इन्फ्लामेशन। तो एटॉपिक डर्मेटाइटिस में होता बेसिकली ये है कि भाई हमारी स्किन के ऊपर इचिंग होने लगती है और रेड कलर का रैश टाइप का बन जाता है, एक प्रकार का पैच बन जाता है, ऐसा पपड़ी जैसा बनने लगता है और वो लगता है ऐसा एक्जिमा जैसा, एक प्रकार का एक्जिमा ही बोल सकते हैं अपने से, ठीक है। पूरे लक्षण एक्जिमा के नहीं होते लेकिन कुछ होते हैं, तो एक टाइप है एक्जिमा का, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, एटॉपिक डर्मेटाइटिस। इसमें होता यही है, इरिटेशन होता है, इसके में रैसेस हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, ये छोटे बच्चों में भी हो जाता है, ठीक है। 2 साल 3 साल 4 साल तक के बच्चों में भी ये हो जाता है, चेहरे वगैरह पर हो जाता है। अगर बात किया कि भाई ये जो प्रॉब्लम है, स्किन इन्फेक्शन है, ये क्यों होता है, तो पहला कारण तो एक्जिमा है, दूसरा है एलर्जी है। कई लोगों को एलर्जी होती है, एलर्जी कारण को कोई ना कोई फंगल इन्फेक्शन या कोई भी स्किन का इन्फेक्शन हो जाता है। और बात किया कि भाई कई ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी वजह से त्वचा हार्ड हो जाती है, तब भी एटॉपिक डर्मेटाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। या कोई ड्रग है, कोई आपने दवाई खाई, उस वजह से भी कई बार ये हो जाता है, ठीक है। या बोलना चाहिए कि कुछ ऐसी सोप होती हैं, साबुन, जो कि स्किन को हार्ड बना देती हैं, ठीक है। इसलिए बोलते हैं इस साबुन को TFM लेवल देखकर ही लेना चाहिए, तो TFM देखकर साबुन लेना चाहिए। TFM नहीं जानते, वीडियो बनाया था बहुत पहले, वो देख लेना आप। तो साबुन के द्वारा, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, कोई दवाई है या कोई इन्फेक्शन, एक्जिमा का, एलर्जी, इन सब के द्वारा ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक। अब इसमें होता क्या है, साइंस को समझ लेते हैं, साइन एंड सिम्टम्स को समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल में। स्किन रूखी रूखी रहेगी, साथ में इचिंग होगी, उसमें खुजली चलेगी, खुजलाने पे हो सकता है कि लिक्विड आने लगे, थोड़ा सा पानी पानी आने लगता है, ठीक। और कई बार एक लेयर बन जाती है हार्ड सी, तो वो देखने में ऐसा लगता है सोरायसिस हो रहा है, तो खैर वो सोरायसिस नहीं होता, सोरायसिस अलग चीज़ होती है। तो ये चीज़ है। और स्किन सेंसिटिव हो जाती है, किसी भी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आते हैं आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगते हैं, धूप में, धूल में, किसी जानवर के, फ्रूट्स के, आप कॉन्टैक्ट में जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और सूजन रहने लगती है, स्किन रेडस हो जाती है। तो ये इसके सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। जांच की बात किया तो जांच में पैच टेस्ट होता है, स्किन के ऊपर टेस्ट किया जाता है, एलर्जी का ही टेस्ट होता है, एक प्रकार का पैच टेस्ट करते हैं, स्किन का टिश्यू को निकाल के वहीं के वहीं उसको जांच की जाती है कि किस तरह से आपको ये प्रॉब्लम है, किस तरह का इन्फेक्शन है, किस तरह की एलर्जी है, ये सब पता चल जाता है। कुछ डाइट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है एटॉपिक डर्मेटाइटिस, ट्रीटमेंट भी बताएंगे, एलोपैथी दवाइयाँ होती हैं कुछ, ठीक है। तो डाइट में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको लेना चाहिए जिससे आपको रिकवर होने में जल्दी हेल्प मिलती है। तो क्या क्या खाना चाहिए इसको समझ लेते हैं। तो देखो, फिश खा सकते हैं, टूना वगैरह जो आती है उनमें Omega-3 होता है, तो ये रिकवरी कराने में हेल्प करता है। अगर आप फिश नहीं खा सकते तो कोई Omega-3 का सप्लीमेंट ले सकते हैं, ठीक है। ये है एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फ्रूट्स लेना चाहिए, बेरीज वगैरह जो होती हैं, ठीक है, और पालक, गाजर, इन सबको लेना चाहिए। किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जिनसे आपको एलर्जी हो सकती है, जैसे कि सोयाबीन, सोयाबरी, मूंगफली, ठीक है ना, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। कुछ प्रोबायोटिक्स को ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में इससे जल्दी रिलीफ पाने के लिए, जैसे कि दही है, अपना इडली डोसा है, इन सब में कुछ मात्रा में प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो इन सबको ऐड करें। अब आती बात ट्रीटमेंट की, तो देखो अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, डॉक्टर हैं या RMP डॉक्टर हैं, आप इस वीडियो को देखें, नॉर्मल आदमी इस वीडियो को अब ना देखें, क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे दवाइयों की, जो कि डॉक्टर की सलाह बिना नहीं लेना चाहिए। तो ट्रीटमेंट में बहुत सारी दवाइयाँ चलेंगी, जैसे कि एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं, कुछ स्टेरॉयडल ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ ऑइंटमेंट्स चलेंगे। तो एंटी एलर्जिक ड्रग में आप ले सकते हैं Atarax 25 mg की टैबलेट, ये इसमें बेसिकली हाइड्रोक्सीजन होता है। हाइड्रोक्सीजन की टैबलेट को आपको सुबह शाम चलाना है, ठीक है, 4 से 5 दिन तक।
या जरूरत पड़ने पर ज़्यादा दिन भी चलाया जा सकता है। या आपको हाइड्रोक्सीजन के साथ आप चाहें तो स्टेरॉयडल ड्रग्स चला सकते हैं कुछ, जैसे कि डेक्सामेथासोन, डेक्सोना, ये भी आप सुबह शाम चला सकते हैं साथ में ही। डेक्सोना नहीं चलाना, डेक्सोना का काम नहीं कर रहा है या सूटेबल नहीं हो रहा है, तो आप प्रेडनिसोलन चला सकते हैं। ओमनाकॉर्टल बहुत ज़्यादा फेमस है, 5 मिलीग्राम का टैबलेट, वो सुबह शाम दिया जा सकता है। तो ये एक हो गया एंटी एलर्जिक ड्रग, एक हो गया अपना स्टेरॉयड। तो ये क्या करेंगे, सूजन को कम करेगा, खुजली वगैरह वो कंट्रोल कर लेंगे। साथ में कुछ एंटीबायोटिक्स चलेंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो लिक्विड वगैरह आ रहा होता है एटोपिक डर्मेटाइटिस में, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आता है कई बार। तो एरिथ्रोमाइसिन का टैबलेट दिया जा सकता है, 500 मिलीग्राम एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट सुबह शाम चलेगा 3 दिन तक। तो इससे क्या होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी, बैक्टीरिया नष्ट हो जाएंगे स्किन के अंदर से, तो इस तरह से हील होने लगेगा। अब लगाने के लिए क्या लगा, तो देखो ऑइंटमेंट आता है फुअरडर्म, फुअरडर्म में होता क्या है, क्रीम होता है बेसिकली, क्लोबेटासोल है, क्लोबेटासोल प्रोपायोनेट, नियोमाइसिन सल्फेट, माइक्रोनाजोल नाइट्रेट और क्लोरहेक्सिडाइन, इसका कॉम्बिनेशन का क्रीम आता है। आप दूसरा कोई भी ले सकते हैं, उसको आपको अप्लाई करना जहाँ पे ये एटॉपिक डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है। स्टेरॉयडल ड्रग्स हैं और कुछ एंटीफंगल ड्रग्स हैं, ठीक है। तो इतना ट्रीटमेंट देने पे काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब तक आप इन सारी चीज़ों पर काम नहीं करेंगे तो ये ठीक नहीं हो पाएगा, कई लोगों को फिर से होने लगता है। तो आपको फूड से एलर्जी है तो उनको दूर रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, तो धीरे धीरे ठीक होने लगता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे एटॉपिक डर्मेटाइटिस के बारे में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ से लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आप देख रहे थे ज्ञानी अर्थ मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।